the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। रूस ने भले ही दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इस वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के दौरान रूसी सरकार ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उनके मुताबिक इस रूस वैक्सीन के सुरक्षित होने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डेली मेल के एक खबर के मुताबिक ट्रायल के नाम पर 42 दिन में मात्र 38 वॉलंटियर्स को ही इस वैक्सीन की डोज दी गई थी। इसके अलावा सामने आया है कि ट्रायल के तीसरे चरण पर रूस कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। रूसी सरकार का दावा है कि हल्के बुखार के अलावा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि 38 वॉलंटियर्स में 144 तरह के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। ट्रायल के 42वें दिन भी 38 में से 31 वॉलंटियर्स इस साइड इफेक्ट से परेशान नजर आ रहे थे। तीसरे ट्रायल में क्या हुआ इसकी जानकारी तो दस्तावेजों में दी ही नहीं गई। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर फ्रैंक कॉयज बेलेक्स कहते हैं, रसिया का ऐसा करना शर्मनाक है, यह बेहद घटिया फैसला है। ट्रायल की गाइडलाइन का नज़रअंदाज करके वैक्सीन को बड़े स्तर पर लोगों को देना गलत है। इंसान की सेहत पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पॉन के मुताबिक रशियन वैक्सीन की पर्याप्त जांच नहीं की गई है, इसे लोग को देना खतरनाक साबित हो सकता है। वैक्सीन सबसे पहले बने इससे ज़्यादा ज़रूरी है यह सुरक्षित हो। WHO ने कहा है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। वहीं महत्वपूर्ण खबर, देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया। अब इसी कड़ी में सरकार के प्रति करदाताओं का भरोसा बढ़ाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं के लिए कुछ नई घोषणाएं की हैं। इसे प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ओनर्स द होनेस्ट नाम के प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इसके जरिए फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स लागू किए गए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देश के ईमानदार टैक्सपेयर्स को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं, टैक्स के मामले में गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है। ईमानदार टैक्सपेयर्स की वजह से ही देश का सम्मान है। देश का ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार करदाता का जीवन आसान बनता है तो वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। पीएम मोदी ने यहाँ संबोधन करते हुए पिछली सरकारों पर हमला भी किया। वह बोले कि पहले मजबूरी या प्रेशर में फैसले किए जाते थे और उन्हें रिफॉर्म का नाम दिया जाता था, इससे ठीक परिणाम नहीं मिलते थे। पीएम मोदी ने बताया कि फिलहाल देश में 2.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, जो 130 करोड़ भारतीयों के लिहाज से काफ़ी छोटी संख्या है। पीएम मोदी ने बताया कि फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से लागू हो रहे हैं, वहीं फैसलेस अपील अगले महीने से लागू होगा। मोदी ने बताया कि फैसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से शुरू होगी। मोदी ने कहा कि टैक्स सिस्टम भले ही फैसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर्स को ये फेसनेस और फियरलेस का विश्वास देने वाला है। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 6 सालों में सरकार का फोकस लोगों के बैंक खाते खोलने, असुरक्षित को सुरक्षा देने और ज़रूरतमंद को पैसा पहुँचाने पर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 1 साल की बात करें तो टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स घटाना भी शामिल है। इसका साथ साथ डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सरल बनाए जाने का काम भी जारी है। पीएम मोदी ने आगे कहा, रिफॉर्म के प्रति भारत की प्रति इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड FDI का आना इसी तरह का उदाहरण है। पहले 10 लाख रुपए के ऊपर के विवादों को लेकर सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी। विवाद से विश्वास जैसी योजनाओं से कोशिश ये है कि ज़्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं। प्रतिक्रियाओं की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है। 5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स 0 है, बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है।
कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स देने वाले देशों में से एक हैं। वहीं अगली खबर, पत्रकारों को न्यूज़ कवरेज के दौरान तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली से आया है। यहां न्यूज़ कवरेज के दौरान 3 पत्रकारों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पीड़ित पत्रकारों में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह पत्रकारों को भीड़ के चंगुल से मुक्त कराया। गनीमत रही कि पत्रकारों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। पीड़ित पत्रकारों ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही FIR दर्ज की जाएगी। बताया जाता है कि ये पत्रकार इसी साल फरवरी में हुए दिल्ली दंगों से जुड़ी स्टोरी कवर कर रहे थे। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार स्वतंत्र पत्रकार प्रभजीत सिंह कारवा मैगजीन के असिस्टेंट फोटो एडिटर साहिब तांत्रे और इसी मैगजीन की एक महिला पत्रकार मंगलवार को की दोपहर पूर्वोत्तर दिल्ली के सुभाष मोहल्ला में रिपोर्टिंग के लिए गए थे। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी भी की गई। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब तांत्रे एक वीडियो शूट कर रहे थे। भीड़ ने तांत्रे का कैमरा भी छीनने की कोशिश की और खींचे गए फोटो व वीडियो डिलीट करने को कहा। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। दोपहर करीब 3:30 बजे 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और तीनों पत्रकारों को भीड़ से बचाकर भजनपुरा थाने ले गए। वहीं ऐसा ही एक मामला अब बिहार के आरा से आया है, जहां पर कुछ बदमाशों ने कवरेज कर लौट रहे पत्रकार को गोली मार दी। हमले में पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पत्रकार की हालत ठीक बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार जिले के साहपुर थाना क्षेत्र के ब्लौटी गांव निवासी त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज उर्फ विक्की त्रिपाठी एक निजी चैनल में पत्रकार हैं। मंगलवार को नीरज त्रिपाठी साहपुर थाना क्षेत्र के सहजादी माता मंदिर के पास बैलौटी गांव में खबर की कवरेज कर घर लौट रहे थे। वह आपसी विवाद के चलते रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने नीरज को गोली मार दी। वहीं अगली खबर, आज के वर्तमान युग में स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफ़ी तेजी से बढ़ा है। ऐसे समय में अपराधी जगत ने खुद को काफ़ी एडवांस कर लिया है। हैकर्स आपके डाटे को चुराकर आपको काफ़ी बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। ऐसे में अपने स्मार्टफोन को हैकर्स से बचाने के लिए हमें फ़ोन को सुरक्षित रखना होगा। आज के दौर में ज़्यादातर लोग अपने सारे जरूरत कागजात, बैंक खातों की डिटेल, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिजिटल वॉलेट तक स्मार्टफोन से हैंडल कर रहे हैं। ऐसे में कई हैकर्स की नज़र आपके स्मार्टफोन पर ना होकर आपके जरूरी डेटा पर हो सकती है। कुछ आसान से उपाय करके आप अपने स्मार्टफोन्स को हैकर्स से सुरक्षित रख सकते हैं। हमें अपने स्मार्टफोन्स को कंप्यूटर और लैपटॉप की तरह ही एंटीवायरस के इस्तेमाल से सेफ रख सकते हैं। एंटीवायरस स्मार्टफोन की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे कि किसी भी हैकर्स के बनाए गए किसी वायरस से फोन्स को बचाया जा सके। हम अक्सर फोन्स पर अपने जन्मदिन की तिथि नाम को पासवर्ड के तौर पर लगाते हैं, जिसे कोई भी हैकर्स आसानी से ट्रैप कर सकता है। ऐसे में अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने स्मार्टफोन्स के लिए एक मजबूत पासवर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया ऐप्स और बैंकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स पर हमें काफ़ी मजबूत पासवर्ड लगाना चाहिए, जिसे आसानी से कोई ट्रैप ना कर सके। हमारे स्मार्टफोन पर अक्सर किसी समांतराल पर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से स्मार्टफोन्स की सुरक्षा को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूप में स्मार्टफोन कंपनियां लगातार अपडेट वर्जन लाती रहती हैं, जिसमें सुरक्षा से जुड़े कई आयाम हमें मिलते हैं। इसीलिए इनका फ़ायदा लेने के लिए समय समय पर फोन्स को अपडेट करते रहना चाहिए। हम ज़्यादातर अपने फ़ोन्स में उन ऐप्स को भी रखते हैं जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में हमें अपने फ़ोन्स का मेमोरी स्पेस बचाते हुए बिना इस्तेमाल के ऐप्स को अपने फ़ोन्स से हटा देना चाहिए। कई ऐसे ऐप्स होते हैं जिनसे हमारे फ़ोन्स को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं अगली खबर, काम की तलाश में अमेरिका जाने वाले भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर आई है।
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा नियमों में कुछ राहत का ऐलान किया है। यह राहत उन लोगों के लिए है जो उन्हीं नौकरियों पर वापस जाएंगे जो वीजा बैन लगने से पहले की जा रही थी। अमेरिकी प्रशासन ने बताया है कि वीजा होल्डर के साथ उनकी पत्नी और बच्चों को भी वापस आने की छूट होगी। जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि उन लोगों को वीजा बैन से छूट है जो वापस जाकर वहीं जॉब करेंगे, उसी कंपनी में करेंगे। अमेरिका की तरफ से आगे कहा गया है कि वे टेक्निकल स्पेशलिस्ट, सीनियर लेवल के मैनेजर और दूसरे H-1B वीजा होल्डर वापस आ सकते हैं, जिनकी मदद से अमेरिका की आर्थिक स्थिति को दोबारा बेहतर किया जा सकता है। अमेरिका इस वक्त कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने उन वीज़ा होल्डर्स लोगों को भी अमेरिका आने की छूट दी है जो पब्लिक हेल्थ केयर रिसर्चर आदि के काम से जुड़े हुए हैं। सभार, डेली हंट, डेली होम, समाचार फॉर मीडिया, द डॉन एक्सप्रेस। धन्यवाद।